दोस्तों नमस्कार, सलाम अलैकुम, मैं हूँ राणा और आप सभी को स्वागत है आरसी ब्लॉग्स में। इस वीडियो पे मैं बताऊंगा आपको इंडिया के 10 सबसे बेस्ट कम्यूटिंग एंड ट्यूनिंग बाइक का लिस्ट। ये लिस्ट मैंने बनाया है मुझे जो लगता है उस हिसाब से, तो हो भी सकता है ये आपको ठीक ना लगे। तो चलिए देखते हैं इस लिस्ट को। पहले नंबर पर है बजाज पल्सर 150 डुअल डिस्क जो रिसेंट लॉन्च हुआ है। इसमें आपको मिलेगा 149.5 सीसी का एयर कूल्ड कार्बोरेटर इंजन, 15 bhp का पावर और 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा। इसके फ्रंट और रियर दोनों तरफ डिस्क ब्रेक है। इसका टैंक कैपेसिटी है 15 लीटर्स का और इसके माइलेज है 50 किलोमीटर पर लीटर। इसका मैक्सिमम स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm। इसका एक शोरूम प्राइस है 80,000 रुपीज़। दूसरे नंबर पर है टी वी एस अपाची आर टी आर 180। इसमें आपको मिलेगा 177 सीसी का एयर कूल्ड कार्बोरेटर इंजन, 17 bhp का पावर और 15 न्यूट्रल मीटर का टॉर्क। इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है। इसके फ्रंट और रियर दोनों तरफ डिस्क ब्रेक है और इसका एक ABS वेरिएंट भी है मार्केट में। इसका टैंक कैपेसिटी है 16 लीटर्स का और माइलेज है 46 किलोमीटर पर लीटर। इसका मैक्सिमम स्पीड है 124 किलोमीटर पर आवर। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm का। इस बाइक का एक्सट्रीम प्राइस है 84,000 और ABS वेरिएंट जो है उसका प्राइस है 94,000 रुपीज़। तीसरे नंबर पर है बजाज पल्सर NS200। इसमें आपको मिलेगा 199.5 सीसी का लिक्विड कूल कार्बोरेटर इंजन जिसका मैक्सिमम पावर है 23 bhp और टॉर्क है 18 न्यूट्रल मीटर। इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा। इसमें फ्रंट और रियर दोनों तरफ डिस्क ब्रेक है। इसका ABS वेरिएंट भी है। इसका टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स और मिलेगा 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। इसका मैक्सिमम स्पीड है 135 किलोमीटर पर आवर। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 167 mm का। इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है 1 lakh और ABS वेरिएंट का है 1,12,000 रुपीज़। चौथे नंबर पर है टी वी एस अपाची आर टी आर 160। इसमें आपको मिलेगा 160 सीसी का एयर कूल कार्बोरेटर इंजन, 15 bhp का पावर, 13 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा। इसका फ्रंट और रियर दोनों तरफ डिस्क ब्रेक है पर इसका एक ड्रम ब्रेक वेरिएंट भी है। इसका टैंक कैपेसिटी है 16 लीटर्स का और माइलेज है 50 किलोमीटर पर लीटर का। इसका मैक्सिमम स्पीड है 118 किलोमीटर पर आवर। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का। इसके डुअल डिस्क वाला वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 81,000 रुपीज़। पाँचवें नंबर पर है होंडा सीवी हॉर्नेट 160। ये बाइक काफ़ी पॉपुलर है अभी मार्केट में। इसमें आपको मिलेगा 162.7 सीसी का एयर कूल कार्बोरेटर इंजन, 15 bhp का पावर और 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा। इसके बहुत सारे वेरिएंट है मार्केट में, ABS वेरिएंट, CVS वेरिएंट और नॉर्मल वेरिएंट भी। इसका टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स का और मिलेगा 48 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। इसका मैक्सिमम स्पीड है 115 किलोमीटर पर आवर। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 164 mm का। इसका ABS वेरिएंट का प्राइस है 93,000 रुपीज़। छठे नंबर पर है यामा FZSFI 2.0। इसमें आपको मिलेगा 149 सीसी का एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, 13 bhp का पावर और 12.8 न्यूट्रल मीटर का टॉर्क। इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा। इसके बहुत सारे वेरिएंट है मार्केट में, इसके डुअल डिस्क वेरिएंट भी मिलेगा आपको। इसका टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स का और मिलेगा 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। इसका मैक्सिमम स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm का। इसके डुअल डिस्क वाला वेरिएंट के एक्सट्रीम प्राइस है 86,000 रुपीज़। सातवें नंबर पर है बजाज पल्सर 220F। ये बाइक काफ़ी दिनों से टूरिंग बाइक के तौर पे बहुत पॉपुलर है। इसमें आपको मिलेगा 220 सीसी का एयर कूल कार्बोरेटर इंजन, 21 bhp का पावर और 19 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स है। इसके दोनों तरफ डिस्क ब्रेक है। इसका टैंक कैपेसिटी है 15 लीटर्स का और माइलेज है 40 किलोमीटर पर लीटर का। इसका टॉप स्पीड है 135 किलोमीटर पर आवर और ग्राउंड क्लियरेंस है 150 mm का। इसका एक शोरूम प्राइस है 97,000 रुपीज़। आठवें नंबर पे है टी वी एस अपाची आर टी आर 200 4V। इसमें आपको मिलेगा 197 सीसी का एयर कूल कार्बोरेटर इंजन,
20 bhp का पावर और 18 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है। इसका बहुत सारे वेरिएंट है मार्केट में, कार्बोरेटर, कार्बोरेटर विद पिरेली टायर्स, फ्यूल इंजेक्शन, ABS भी। इसका टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स का और माइलेज है 38 किलोमीटर पर लीटर का। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm का। इसका मैक्सिमम स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर का। इसका ABS वाला वेरियंट का प्राइस है 1,10,000 रुपीज़। नौ नंबर पे है आरी क्लासिक 350। ये तो इंडिया के सबसे पॉपुलर बाइक है राइट नाउ। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज्ड टूरिंग बाइक जो है वो है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। इसमें आपको मिलेगा 346 cc का एयर कूल कार्बोरेटर इंजन, जिसका मैक्सिमम पावर है 19 bhp और टॉर्क है 28 न्यूटन मीटर का। इसके रेडिस एडिशन में आपको डुअल डिस्क मिलेगा, या फिर आप कान मेटल ग्रे भी ले सकते हो जिसमें भी डुअल डिस्क अवेलेबल है। और हाल ही में आरी वालों ने एक ABS वेरिएंट भी निकाला है क्लासिक 350 का, जिसका नाम है क्लासिक सिग्नल्स। इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स है। इसका टैंक कैपेसिटी है 13.5 लीटर्स का और माइलेज है 35 किलोमीटर पर लीटर। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 135 mm का। इसका टॉप स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। हालांकि इसको आप 80 किलोमीटर पर आवर के ऊपर चला नहीं पाओगे वाइब्रेशन के वजह से। इसका रेडिस एडिशन का प्राइस है 1,47,000, गन मेटल ग्रे का प्राइस है 1,48,000 और ABS वाला क्लासिक सिग्नल्स का प्राइस है 1,62,000। दस नंबर पर है बजाज एवेंजर स्ट्रीट 220। इसमें आपको मिलेगा 220 cc का लिक्विड कूल कार्बोरेटर इंजन, 19 bhp का पावर और 17 न्यूटन मीटर टॉर्क। इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा। इसका टैंक कैपेसिटी है 14 लीटर्स का और माइलेज है 40 किलोमीटर पर लीटर। इसका मैक्सिमम स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। ग्राउंड क्लियरेंस है 169 mm का। इसका शोरूम प्राइस है 96,000 रुपीज़। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले दोस्तों। और नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अभी के लिए शुक्रिया दोस्तों। लीव सेफ, राइड सेफ और हेलमेट पहनना ना भूले जब भी राइड करे। अलविदा।